मॉर्निंग साथियों, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, फ्रेजल वर्ब के 9 वीडियोस में जो आपने पढ़ा वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। आपके जो आगामी एलडीसी की एग्जाम है, रीट की एग्जाम है, उसमें वोकैब का पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही अपना एक मैटर रखता है। तो मैं इसलिए आपको यही कहना चाहूंगा कि जो वोकैब जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मेरे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं 9 वीडियोज में। आज मैं ठीक है 10th वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और उस 10th वीडियो में फ्रेजल वर्ब को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और फ्रेजल वर्ब जो है वो आगे आपके लिए वही फ्रेजल वर्ब मैं लेके आ रहा हूँ आगे भी, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो लेट्स सी आज कौन सी फ्रेजल वर्ब है और उन फ्रेजल वर्ब्स का कैसे क्या यूजेस करवाया है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए, ताकि उनका ठीक है इस टाइम पे जब पूरी कोचिंग वगैरह वगैरह बंद पड़ी है, इस टाइम पे उनके लिए ये वीडियोज मेरे क्या हो सके, वैल्यूएबल हो सके। तो साथियों, देखते हैं आज के वीडियो में मैं कौन कौन से आपके सामने फ्रेजल वर्ब्स लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, आइए। तो सबसे पहले जो मेरी फ्रेजल वर्ब होगी आज की, वो मेरी कौन सी हो जाएगी, कैपेबल ऑफ। कौन सी हो जाएगी साथियों, कैपेबल के साथ किसका यूज करूंगा मैं, एक फिक्स प्रीपोजिशन है मेरे पास जिसका क्या नाम है ऑफ। कैपेबल के साथ ऑफ का यूज करते हैं तो इसका मींस क्या होता है साहब, समर्थ होना। क्या होना, समर्थ होना, कोई काम करने में ठीक है कुशल होना, योग्य होना। आई मेरी बात समझ में, समर्थ होना, कोई काम करने के लिए क्या होना, योग्य होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया कि शी इज कैपेबल, और मैंने लिख दिया यहां पर टेकिंग हर डिसीजंस। तो साहब यहां पर मैंने एक सेंटेंस दिया और आपको ऑप्शन दिया ऑफ, ऐसे मैंने आपको दिया ओ डब्ल एफ ओ, ऐसे मैंने आपके सामने दिया फ्रॉम, और लास्ट में लिख दिया ऑन। अब यहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन अगर जिस स्टूडेंट ने तैयार की है वो इजी वे में कर सकता है, बाकी स्टूडेंट्स मेरे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप बहुत पछताएंगे अगर आज इन क्वेश्चंस को आप तैयार नहीं करते हैं। तो पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक लड़की है जो क्या है साहब, अपने डिसीजन लेने में क्या है, समर्थ है। समर्थ है तो कैपेबल के साथ मैं किसका यूज कर लूंगा, ओ डबल एफ का यूज कर दूंगा, ऑफ का मैं क्या कर दूंगा, यूज कर दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसमें मेरा ठीक है जो फिक्स प्रीपोजिशन बनती है वो क्या बनेगी, ठीक है, एक वर्ड होता है, एक वर्ब होती है कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ड है वो बड़ा इजी है, इसको आराम से आप कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट का मीन्स क्या होता है, बधाई देना, किसी को क्या देना, बधाई देना। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, ओन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं साथियों, ओन का हम लोग यूज कर देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट का और कॉन्ग्रेचुलेट ओन का मीन्स क्या होता है साहब, बधाई देना। क्या होता है, बधाई देना, किसी को किसी की सफलता के ऊपर बधाई देना, कोई अचीवमेंट हो उसके लिए बधाई देना, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम लोग ओन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दूं, मैं लिखूं कि एवरीवन, मैंने क्या लिखा, एवरीवन, और आगे मैंने लिख दिया यहां पर कॉन्ग्रेचुलेटेड, हर किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, उसको बधाई दी, और ये मैंने लिख दिया ब्लैंक देके, मैं लिख दिया हर सक्सेस या हर अचीवमेंट, कुछ भी मैं लिख सकता हूं, हर अचीवमेंट ये लिख देता हूं मैं यहां पर। मैंने क्या लिखा साहब, हर अचीवमेंट। ऑप्शन आपके सामने है, एक तो मैंने लिखा है ओन, बी में लिख दिया अबाउट, यहां पर सी में लिख दिया फोर, और डी में लिख दिया इन। तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन यूज आती है वो कौन सी होती है, ऑन। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहां तक कि देखो, ये दो प्रेपोजिशन मैंने आपको बताई, दो फ्रेजल वर्ब आपको बताई है,
उम्मीद करूंगा आपको दोनों प्रेजल वर्ब समझ में आई होगी। नेक्स्ट मेरा आता है साहब कंप्लेंट। एक वर्ड है कंप्लेन, ठीक है, शिकायत करना। क्या करना? शिकायत करना। इसके साथ दो सिचुएशन क्रिएट करते हैं साहब। अगर किसी व्यक्ति को शिकायत करते हैं, टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को शिकायत करते हैं तो हम लोग कंप्लेन के साथ किसका यूज करते हैं? टू का यूज कर लेते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर हमें शिकायत करनी है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगेंस्ट का यूज करेंगे। ये भी पर्सन के लिए यूज आएगा साहब। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। किसी व्यक्ति को शिकायत करते हैं तो कंप्लेन के साथ टू लगाइए, किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं तो कंप्लेन के साथ आप अगेंस्ट का यूज कीजिए। एक एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर, और मैंने लिखा कि शी कंप्लेन, और ये मैंने लिख दिया सतीश द प्रिंसिपल। एक ही क्वेश्चन में आपसे दोनों प्रीपोजिशन मैंने पूछी है, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही अगेंस्ट टू। बी में मैंने लिखा टू अगेंस्ट, ऐसे सी में मैं लिखूंगा फ्रॉम टू, और डी में मैं लिखूंगा नन। ये आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे। अब आराम से आप पढ़ सकते हैं यहां पर कि कंप्लेन की जा रही है, तो कंप्लेन सतीश को कंप्लेन कर रहे हैं, सतीश के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि यहां पर, ठीक है, कंप्लेन की जा रही है उस सतीश के खिलाफ की जा रही है, और किसको कर रहे हैं आप कंप्लेन है, ठीक है, प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं साथियों, कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन देख ले, पहले में तो अगेंस्ट आएगा और सेकेंड में टू आएगा, तो ये ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मेरी फ्रेजल वर्ब आती है, आपने एक वर्ड सुना होगा क्योर, आपने एक वर्ड सुना होगा क्योर। क्योर जो होता है ना, इसका मतलब होता है इलाज होना। क्योर का मीन्स क्या होता है? इलाज होना, उपचार होना। तो क्योर के साथ जो हमारी वर्ब प्रेपोजिशन आती है वो कौन सी आती है? ऑफ। आई मेरी बात समझ में? किसी बीमारी का इलाज होना, लिख देता हूं मैं यहां पर इलाज होना, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा और मैंने लिख दिया कि देयर इज नो क्योर, कोई इलाज नहीं है, और मैंने लिख दिया यहां पर कैंसर। ऑप्शन आपको दिए मैंने टू, बी में मैंने आपको ऑप्शन दे दिया फोर, सी में मैंने आपको ऑप्शन दे दिया फ्रॉम, और डी में मैंने आपको ऑप्शन दे दिया ऑफ। तो मेरे ख्याल से आप इजी वे में कर सकते हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है, कि साहब कैंसर का क्या नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है, तो क्योर के साथ मैं किसका यूज कर दूंगा? ऑफ का मैं क्या कर लूंगा? यूज कर लूंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, यहां पर मेरे पास थोड़ी सी जगह है, उस जगह का मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको डिफर। डिफर डिफरेंट से मिलकर बनता है। डिफर का मतलब क्या होता है? अलग होना। आई मेरी बात समझ में? इसके साथ दो तरीके से हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। फर्स्ट जो प्रेपोजिशन यूज करूंगा वो तो होगा विद, डिफर विद। अगर डिफर के साथ मैं विद लगाता हूं तो इसका मतलब निकलता है मतभेद होना। इसका मतलब क्या निकलता है? मतभेद होना। किसी व्यक्ति से क्या हो जाना साहब, ठीक है, मतभेद हो जाना, क्या नहीं मिलना साहब, विचार नहीं मिलना। क्या नहीं मिलना रे साथी हो, ठीक है, विचार नहीं मिलना। आगे बढ़ता हूं, अगर डिफर के साथ मैं यहां पर क्या लिख दूं, फ्रॉम लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है? भिन्न होना या फिर अलग होना। क्या होना जी? अलग होना, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर दो प्रीपोजिशन आपको बताई है डिफर के साथ। एक तो विद का यूज हम कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं डिफर के साथ फ्रॉम का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो थोड़ी जगह का अभाव है, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं सेंटेंसेस ताकि आपके समझ में आ सके। तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से,
और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहे होंगे साहब सारे रूल्स, तो देखते जाएं आप लोग, समझते जाएं आप लोग। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपने कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, ठीक है। आपके वेल्युएबल सजेशन का मैं काफी इंतजार भी करता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि योर क्या लिखा है मैंने, योर ओपिनियन इज, सॉरी सीधा लिख देता हूं मैं, डिफर, और ये मैंने ब्लैंक दे दिया हिम, इतना मैंने सेंटेंस लिखा साहब। और यहां पर मैंने लिख दिया फ्रॉम, और मैंने अगला तो लिखा बी में, वो लिख दिया ऑफ, सी में मैं लिख देता हूं ओन, और डी में मैंने लिख दिया विद। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहां पर आप सेंटेंस खुद समझ सकते हैं साहब कि कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस। ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो ओपिनियन है वो उसके ओपिनियन से क्या है, भिन्न है, या फिर बताओ मतभेद है। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर यहां पर ओपिनियन जो है, राय जो है, वो दोनों की क्या आ रही है, अलग आ रही है, तो हम डिफर के साथ किसका यूज कर लेंगे, फ्रॉम का यूज कर लेंगे। भिन्न के अर्थ में, अलग के अर्थ में, डिफर के साथ हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम का क्या कर लेते हैं, साथ ही यूज कर लेते हैं। आई मेरी बात समझ में? ठीक साहब, अब आगे मैं एक सेंटेंस और देता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखना वो सेंटेंस क्या है वो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इजी वे में आपके सारे आइडियाज क्लियर होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर जो इन वीडियोस को देख के तैयारी कर रहा है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब्स जो है उसके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और आगे वाले आने वाली एग्जाम, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में ये फ्रेजल वर्ब्स का जो टॉपिक है, वोकैब का जो टॉपिक है, वो मैटर करता है। 5 से 10 क्वेश्चंस वोकैब के जरूर पूछे जाते हैं और वो स्टूडेंट्स को ले डूबते हैं। तो एक सेंटेंस के लिए फिर से आप तैयार रहिए। और वो सेंटेंस क्या है साहब, मैं बोल रहा हूं कि राकेश, और मैं लिखूं यहां पर डिफर्स महेश, और मैं लिखूं ऑन दिस मैटर। आराम से कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने यहां पर विद लिख दिया, ये मैंने यहां पे फ्रॉम लिख दिया, सी में आपको दे दिया ओन, और डी में मैंने साथियों आपको क्या दे दिया, इन दे दिया। आराम से समझिए, इजी वे में आप कर सकते हैं कि राकेश जो है, ठीक है, वो राकेश और महेश के बीच क्या है साहब, इस मैटर के ऊपर क्या है, मतभेद है। तो इस सिचुएशन में मैं किसका यूज करूंगा, विद का क्या कर लूंगा, साथियों यूज कर लूंगा। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही रहेगा, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये साथ बना रहे, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू।